3, 2, 1, action. Well, how's it going? तो देखो गाइस, हमने हमारा जैकोबिन का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया था। सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी थी J into J dash equals to 1। दूसरा हमने देखा था चेन रूल ऑफ जैकोबियंस, और तीसरा हमने पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमारी एक प्रॉपर्टी बाकी रह गई थी, जो कि थी जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस। तो उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस कहता है कि अगर आपको जैकोबियन निकालना है यू और वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और एफ वन और एफ टू दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें एक्स भी आपको दिखेगा, वाई भी दिखेगा, यू भी दिखेगा, वी भी दिखेगा। क्या मतलब? U and V are implicit functions of x and y. F1 और F2 में आपको U, V, X, Y चारों चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। इसमें आपको U होगा, V होगा, X होगा, Y होगा। U, V, X, Y ये है F1 और F2। F1 में ये चारों वेरिएबल्स होंगे, F2 में भी ये चारों वेरिएबल्स होंगे, और आपको जैकोबियन निकालना पड़ेगा u कोमा v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो होगा माइनस वन स्क्वायर। अब यहां पे माइनस वन स्क्वायर पे कैंसिल हो जाएगा। अभी समझाता हूं। जैकोबियन u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y निकालोगे तो यहां लिखना माइनस वन का स्क्वायर जैकोबियन ऑफ f1 कोमा f2, इनका जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। देखो यहां नीचे x और y है ना, तो इधर ऊपर x और y लिखना है। ऊपर u और v है तो नीचे u और v लिखना है। Jacobian of U and V with respect to X and Y will be equal to minus 1 का square Jacobian of F1, F2 with respect to X and Y upon Jacobian of F1, F2 with respect to U and V। समझ आ गई बात? जो ऊपर है वो यहाँ नीचे लिखना, जो इधर नीचे वो यहाँ ऊपर लिखना, दोनों में ऊपर F1, F2 आएगा। और कैसे पहचानोगे कि implicit functions का question है? जब आपको F1 और F2 दो functions दिए हो जिनमें चारों variables use हो रहे हो, आपको u भी दिखे, v भी दिखे, x भी दिखे, y भी दिखे, तब आपको ये सारा काम करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि करना क्या है। अच्छा, देखो ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है if x square plus y square plus u square minus v square equals to zero, x square plus y square plus u square minus v square आपको zero दिया हुआ है, और and u into v plus x into y ये भी आपको zero दिया हुआ है, ठीक है? आपको प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ u कोमा v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, आपको क्या प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ यू कोमा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जीरो, यू इंटू वी प्लस एक्स इंटू वाई जीरो, प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ यू इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज दिस। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कैसे मुझे समझ में आएगा कि यह जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन का सवाल है। दो फंक्शन दिए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। दोनों ही फंक्शन में आप ध्यान से देखो x, y, u, v, x, y, u, v चारों ही वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, और आपको जैकोबियन किसका निकालने को बोला, u कोमा v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और आपको यह प्रूव करना है। तो मुझे देख के समझ में आ गया कि क्योंकि चारों वेरिएबल्स हैं, तो यानी यहां पर जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है। जैकोबियन ऑफ यू कोमा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज क्या है? था फॉर्मूला माइनस वन का स्क्वायर इंटू जैकोबियन ऑफ F1 कोमा F2 विद रिस्पेक्ट टू नीचे क्या है XY, तो यहां पर X and Y डिवाइड बाय जैकोबियन ऑफ F1
कोमा एफ टू विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आपका ऊपर क्या है यू एंड बी, तो यू और बी आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला पीछे पड़ा है। अब ध्यान से देखो, इसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। मुझे ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है, माइनस वन का स्क्वायर वो तो वन हो गया। जैकोबियन मुझे चाहिएगा एफ वन एफ टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो जैकोबियन मुझे निकालना है एफ वन कोमा एफ टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये मुझे निकालना है। अब देखो जैकोबियन निकालना आपने सीख रखा है, कैसे निकालते हो, एफ वन का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ वन ओवर डेल एक्स आएगा यहां, फिर डेल एफ वन ओवर डेल वाई, उसके बाद डेल एफ टू ओवर डेल एक्स और डेल एफ टू ओवर डेल वाई। यस, ये आपने ठीक है। अब क्या करना है, पार्शियल्स कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, जो भी चारों पार्शियल्स के हमें रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करेंगे। डेल एफ वन ओवर डेल एक्स, देखो डेल एफ वन ओवर डेल एक्स, एफ वन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ वन का है, एफ वन मेरा ये है, ये चीज को मैं एफ वन मानूंगा और इसको मैं मेरा एफ टू मानूंगा, दोनों मेरे फंक्शंस जो एक्स वाई यू वी में है, ये मेरा एफ वन, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स है किसमें, एक्स बस इसमें है, तो यानी ये सारे क्या हो गए कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो मेरा टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ वन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई बस इसमें है यानी कि टू वाई। फिर एफ टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ टू का एफ टू मेरा ये रहा, एफ टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से करना u v क्या होंगे कॉन्स्टेंट्स, तो u इंटू वी वाला टर्म गया, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x बस इस टर्म में है, y भी मेरा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो y क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, y मेरा बाहर आ गया और x का क्या हो जाएगा 1, तो जब मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी का टर्म कॉन्स्टेंट 0, y मेरा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा यहां पे y। फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करो f2 को विद रिस्पेक्ट टू y, f2 को अब विद रिस्पेक्ट टू y करो, तो ये मेरा 0 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट होगा, x बाहर आएगा, y का 1 हो जाएगा, तो यहां पर हम x आ गए। बोलो समझ गए, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर दो, 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 2y इंटू y 2y स्क्वायर, 2 मान लो कॉमन लेके लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आया मेरा न्यूमेरेटर वाला पूरा पार्ट। जैकोबियन आ चुका है मेरे पास f1 कोमा f2 का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब क्या करना है, जैकोबियन निकालना है f1 f2 का विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, जल्दी से निकालेंगे। जैकोबियन निकालना है अब आपको f1 कोमा f2 का विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, जल्दी से ओपन करो। पहले f1 का पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर f1 का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, उसके बाद f2 का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद f2 का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। बोलो समझ आ गया, जैकोबियन खोला है, अब क्या करेंगे वैल्यूज, जल्दी से वैल्यूज लिखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है f1 को विद रिस्पेक्ट टू u, f1 को विद रिस्पेक्ट टू u, u इन सब में से केवल इसमें है u स्क्वायर का 2u हो जाएगा, बाकी सब 0, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो
पार्शियल डिफरेंशिएट f1 का विद रिस्पेक्ट टू v, इसे विद रिस्पेक्ट टू v, ये 0 0 0 माइनस v स्क्वायर का 2v हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का 2v f1 का विद रिस्पेक्ट टू v, समझ आ गया। फिर f2 को विद रिस्पेक्ट टू u, f2 f2 विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो ये टर्म का 0, ये इसमें u है बस, v मेरा कांस्टेंट, v बाहर आएगा, u का 1 हो जाएगा, तो यानी कि v आ गया। उसके बाद f2 को विद रिस्पेक्ट टू v करना है, f2 का f2 ये रहा, f2 को विद रिस्पेक्ट टू v करो, इसके लिए 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू v, तो u मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v का 1 हो जाएगा, यहां पे u आ गया। सॉल्व, 2u को u से मल्टीप्लाई किया, करो 2u स्क्वायर और ये इधर माइनस 2v स्क्वायर, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, बोलो पूरा समझ में आया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यहां पे देखो ये गलती होगी, 2u को u से 2u स्क्वायर, फिर माइनस ये देखो एक माइनस 2u into u, 2u स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है समझ आया, अब ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, तो ये मेरा न्यूमरेटर आ चुका मेरे पास, ये मेरा डिनोमिनेटर आ चुका मेरे पास, और देखो ध्यान से, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, माइनस n का स्क्वायर गया, ये डिवाइड बाय ये, इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कट, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये गया। ठीक डन, हेंस प्रूफ, समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, अगर आपको जैकोबियन निकालना आता है तो उसकी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाए आराम से कर ले जाओगे, समझ आ गई बात। अब देखो ये जो माइनस एन का स्क्वायर है, ये हम क्यों ले रहे हैं फॉर्मूले में, क्योंकि अगर मान लो आपको ये ऐसे दो फंक्शंस दिए, इनमें वेरिएबल दो हैं, अभी मतलब यू है वी है एक्स है वाई है, ठीक है, मान लो इसमें तीन तीन वेरिएबल्स हो जाए, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाए, अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया तो आप क्या करोगे, तो फिर बस फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा u v w, यहां क्या आ जाएगा x y z, यहां क्या आ जाएगा x y z, यहां क्या आ जाएगा u v w, और यहां क्या हो जाएगा माइनस n का q, बस इतना फर्क। अगर यहां पे u v की जगह पे u v w भी आ गया, x y z भी आ गया, तीन तीन वेरिएबल्स हो गए दो दो की जगह पर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, यू वी के साथ डब्ल्यू भी आ जाएगा, एक्स वाई के साथ जेड भी आ जाएगा, बस यहां पर भी सेम माइनस वन का क्यूब कर देना है, फिर वो आपका माइनस आपको लास्ट में फॉर्मूले में दिखाई देगा, माइनस वन का क्यूब इज माइनस, समझ आ गया। बाकी सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, जैसे जैकोबियन अभी तक आप दो के लिए निकाल रहे, तब तीन के लिए निकाल दोगे, वो भी सीख रखा है कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको जैकोबियन कैलकुलेट करना आता है तो जैकोबियन और उसकी प्रॉपर्टीज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है सारी की सारी, उम्मीद है आपको समझ अच्छे से आ गई होगी।